एवरीवन, ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी। हेलो प्राची जी, प्राची जी मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिली इंसेंट स्टिक्स बैक फ्लो वाली। आपसे उस दिन बात हुई थी तो मैंने अपना ऑनलाइन का जो ऑर्डर था उसे कैंसिल कर दिया था। मुझे लगा मार्केट में मिल जाएगी, अब मार्केट में मुझे कहीं नहीं मिली। और अब मैंने ऑर्डर की है कल रात को दोबारा से, तो वो आएगी मेरे पास आफ्टर 4 to 5 days। हेलो शिखा जी, जय श्री श्याम। हेलो मीना जी, राधे राधे जी। हेलो राखी जी, हेलो वंदना जी, गुड आफ्टरनून सबको। राधे राधे जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Whenever I will be in Meerut, dear, मैं इनको ब्लो करके कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि आज हम कंप्लीट करेंगे, कल कलरिंग के बाद मुझे आपको ब्लो करके बताना था। वो ब्लो नहीं हो पाएगा, मतलब वो कैसे आएगा, कैसा फील होगा, वो चीज नहीं हो पाएगी ना। देखते हैं क्या करती हूँ। हेलो ज्योति जी, हेलो मीनाक्षी जी। पूजा शॉप से ली थी, ओके। मैंने ना ग्रॉसरी स्टोर से पता किया था। हेलो कविता जी, ब्लिंकिट पे भी देखा मैंने कि मुझे शायद ब्लिंकिट से मिल जाए। ब्लिंकिट पे भी नहीं है, ग्रॉसरी स्टोर पे भी नहीं है, पूजा स्टोर पे तो नहीं देखा मैंने, वहां देखती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हेलो सोनिया जी, मैं अच्छी हूँ डियर, अभी मेरा सर्वाइकल भी ठीक है, आज थोड़ा बेटर है मुझे। प्रॉब्लम ये है कि कल हमें इसको कंप्लीट करके वो करना है। ये देखिए, यहां मैंने थोड़े से ना क्लाउड्स बनाए हैं, ठीक है ना। हेलो सौम्या जी, अभी इधर की साइड का हम डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, हेलो संयुक्ता जी, गुड आफ्टरनून, बहुत ही सुंदर बनाए। अगर किसी को इसको वैसा भी नहीं बनाना ना, मतलब इन बैक फ्लो वाला इंसेंट बर्नर, तो भी वो यहाँ पे कपल बिठा के इसको एज अ वॉल डेकोर या इसको एज अ शो पीस अपने घर में रख सकता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इतना सुंदर बनेगा, और इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी आई है, इट्स वेरी नाइस। क्योंकि मैं ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये कम ही करवाती हूँ, बट इट्स नाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसको। तो ऐसे पकड़ के भी ना इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी। हेलो रेखा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर डेकोर बना है हमारा। आज हम इसमें अपने स्टैंड्स बनाएंगे, और स्टैंड्स बना के हम इसपे एक क्यूट सा कपल बिठाएंगे, तो आज हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा हर तरह से। और ये सूख भी अच्छे से गया है, इस मतलब गीला नहीं है, अब ये अच्छे से सूख चुका है, ठीक है। तो प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो एक बार सबको फिर से। राधे राधे जी, प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आज हम मोल्डेड यूज करने वाले हैं, ठीक है। प्लीज सभी लोग शेयरिंग जरूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग कम होती है तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, जो ये हमारा रेफरेंस है ना, इसमें दो तरह के डिजाइन है, एक में सिर्फ एक बना हुआ है और किसी में ये देखिए 1 2 3 4 5 5 बने हुए हैं। तो मैं 1 और 5 दोनों में से कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं 2 या 3 ही बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कपल भी बिठाना है, तो बहुत हॉचपॉच ना हो। हेलो रश्मि जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं यहाँ पर एक तो ये यहाँ लगाएंगे, जिसमें हम बिल्कुल क्लाउड भी बताऊंगी कैसे बनाए हैं, इधर की साइड पे हम क्लाउड की डिजाइनिंग करेंगे तो वो मैं बताऊंगी। यहाँ पर एक जो मेन लगेगा, जिसमें हम होल करेंगे, जहां पर हम अपनी धूप बत्ती रखेंगे वो, और उसके बाद 1 और 1 और, बस 2 लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ कपल भी बिठाना है, तो बहुत ज्यादा भरना नहीं है, मून की जो शेप है वो दिखनी भी जरूरी है, ठीक है। क्लाउड्स कैसे बनाए हैं वो भी बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, बस आज इसे हम कंप्लीट करवा ही लेंगे कैसे भी। तो आज मैं मोल्डेड यूज करूंगी, सो दैट वो जल्दी से सूख जाएगा। हेलो नूरजहां जी, ताकि हम कल इसमें कलरिंग कर सके। आप इसमें प्राइमर करके रखोगे, कलरिंग मैं आपको लाइव में करवा दूंगी।
वैसे तो आई थिंक कि जो हमारी नॉर्मल सी जो धूप बत्ती होती है उसके सेंटर में एक होल कर दें बैक साइड से, तो शायद वो भी बैक फ्लो वाला बन जाएगा, क्योंकि जो मार्केट से हम लेते हैं उसमें सेंटर में बस होल ही तो होता है। आई थिंक वो बन जाएगी, कल ट्राई करती हूँ। क्योंकि अभी मेरी जो मैंने ऑर्डर किया है आयरिश का, आयरिश बैक फ्लो इंसेंट कॉयल, वो मेरा आएगा 4 डेज बाद, तो मुझे आई एम नॉट श्योर, मुझे लगा मार्केट में मिल जाएगा, दैट्स वाई मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये मैंने मोल्डेट लिया है आज। ठीक है, अभी तक तो हम कौन सा क्ले यूज कर रहे थे फटाफट से बताइए। आज हम यूज कर रहे हैं मोल्डेट, इससे पहले हमने किया था वो उतना अच्छा नहीं होता। कविता जी आपने ट्राई किया था क्या? हाँ, बस वही है ना, जो चीज जिस चीज के लिए बनी होती है उसी से ही इफेक्ट आता है। राधे राधे जी, सप्रू जी, आपने घर पे बनाया था होल करके, तो फिर फॉग निकला था वैक से या नहीं? इसीलिए ना मैंने ऑर्डर कर दी थी टाइमली, और वो मुझे लगा मार्केट में मिल जाएगी तो मैंने कैंसिल कर दिया पर वो गड़बड़ हो गई ना, अब वो मार्केट में भी नहीं मिल रही और ऑर्डर आने में कम से कम 4 डेज लगेंगे। हेलो सुषमा जी, हेलो स्वीजी जी, अब वो ऑर्डर आने में कम से कम होल करके स्मोक आता है निकलता है बनाया हुआ है। समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है आता है, कोई कह रहा है नहीं आता है, निकलता है। तो चलिए कल का काम तो हम उससे करेंगे, और बाकी फिर जैसे ही मेरा आ जाएगा ना ऑर्डर, तो फिर एक बार फिर से भी बनाएंगे। ठीक है ना, फिर से दिखाऊंगी आपको। तो कल का काम तो करते हैं। हाँ, शिवरात्रि पे जला लेंगे, और क्या, हमको कोई वो थोड़ी है, हम शिवरात्रि पे जला लेंगे। ठीक है, वो तो हमें भी पता है स्मोक निकलता है। होममेड इंसेंट स्टिक बनाएंगे तो उससे स्मोक निकलेगा या नहीं? चलिए ये हो गया मेरा मोल्डेट मिक्स, आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज जल्दी से, फटाफट फटाफट, बिकॉज शेयरिंग बहुत कम होती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो मस्ट टू शेयर एटलीस्ट 2 टाइम। चलिए कल हम करेंगे तो है ही, देखते हैं क्या होता है ना? हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा ही सही पर कुछ तो दिखेगा ना, तो कल देखेंगे करके। चलिए अब यहां पर हमें सबसे पहले इस वाले पार्ट पे, ये देखिए यहाँ, ये हमारा मेन जो है वो पॉइंट आएगा मेन, जिसमें हम होल करेंगे, और उसके बाद हम एक यहां लगाएंगे और एक यहां। बस मैं दो लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे कपल भी बिठाना है, तो बहुत ज्यादा हॉच पॉच नहीं करना है। हेलो जयश्री जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब इसको भी हम क्लाउड शेप में बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सैंपल दिखाया ना, तो बहुत प्यारा सा क्लाउड शेप है उसका। ये देखिए, ये इस तरह से लिया और इसको यहां हम ऐसे स्टिक करेंगे। स्टिकिंग मैं पूरी बताऊंगी, अभी हम कोई स्टिक नहीं कर रहे।
इसमें हमें होल करना है, पूरा होल आना चाहिए हमारा एकदम, ठीक है। ओके, इसको यहां हम स्टिक कर देंगे इस तरह से। मैं खड़ा करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी, आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, है ना? मतलब देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी ना? फटाफट से बता दीजिए, क्लियर दिख रहा है ना, समझ भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये देखिए इसको हमने यहां पर स्टिक कर दिया, एक बार मैं देख लू। ठीक है, इतनी आंधी चल रही है ना, इतनी तेज हवा है, इतनी तेज, ओफो क्या करें। अब इसके नीचे एक ऐसे और एक ऐसे, ये दो हमें लगाने हैं, तो हम उसे, संगीता जी वो क्लाउड बनेंगे, क्लाउड वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, मून है ना, तो मून के साथ क्लाउड्स भी तो होने चाहिए, तो वो बनेंगे, ठीक है ना? वो अभी मैं बना के आप लोगों को बताऊंगी, पहले ये वाला कर ले थोड़ा सा पार्ट, फिर क्लाउड्स का पार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा ना थोड़ा मोटा रहेगा, बहुत पतला नहीं रहेगा, मैंने थोड़ा मोटा ही रखना है। और इधर की साइड से मैं इसको उठा के, ठीक सॉफ्ट करेंगे। आप कुछ भी बना लो डियर, आपका अपना वर्क होगा, आप कुछ भी बना लो। गणेश जी बनाओ, शिव जी जी बनाओ, कोई और वो बनाओ, देखिए इस तरह से, ठीक है ना? कुछ भी बना सकते हो, बाय योर चॉइस डियर, जो आपको अच्छा लगे। डायरेक्शंस बिल्कुल ध्यान से करिएगा, और फेविकॉल बहुत ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा फेविकॉल लगाएंगे तो स्टिकिंग नहीं आ पाती है। अब ये मेरा 1 घंटे में सूख जाएगा, और मैं इस पे प्राइमर भी कर दूंगी आज ही, तो मैं कल आराम से इसमें आपको कलरिंग करवा सकती हूँ, ठीक है? ठीक है। हेलो नंदा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसीलिए मैं मोल्डेड यूज करवा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा आज ही सूख जाएगा, और मैं इसको प्राइमर भी आज ही कर दूंगी, और कल हम इसमें कलरिंग कर लेंगे, बस ये थोड़ा सा काम और हो जाए। मोल्डेड को थोड़ा मिक्स करने की मेहनत लगती है। जो स्टूडेंट मेरी पेड क्लास के है ना, यहाँ पर जिन्होंने म्यूरल वाला क्लास ज्वाइन किया था, उन सबको मैंने होममेड एयर ड्राई क्ले बताया था, वाटरप्रूफ वाला, तो वो लोग मोल्डेड की जगह ना वो वाटरप्रूफ क्ले यूज कर सकते हैं। मैं मोल्डेड इसलिए यूज कर रही हूं कि अगर मैं वाटरप्रूफ क्ले यूज करूंगी तो बाकी जिन्हें नहीं पता फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग आराम से वाटरप्रूफ क्ले यूज करना, आपका बहुत अच्छा वाटरप्रूफ बनेगा ये। हेलो निराली जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज शेयर कर दीजिए। इसके बाद एक यहां पर बनाएंगे, यहां मैं आपको क्लाउड्स बताऊंगी, और फिर यहां पे हमारा कपल बनेगा, ठीक है? कपल को बना के फिर हम इस पे बिठा देंगे मून पे। हाँ बिल्कुल वंदना जी, बिल्कुल कर सकते हो आप,
बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग फिनिश आएगा, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच डियर फॉर शेयरिंग। सब लोग मतलब जो भी जिन्होंने पेड क्लास में सीखे है ना क्ले, वो वाले यूज करें इस प्रोजेक्ट पे, बहुत अच्छा बनेगा आपका प्रोजेक्ट। हेलो अलका जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलिए अब यहां पर बनाएंगे हम। हेलो सोनी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज शेयर द वीडियो। ये हो गया। आप इस पे ना वो भी कर सकते हैं, लीफ का इम्प्रेशन भी ले सकते हो दोनों साइड पे, और फिर जब आप कलरिंग करोगे तो इट लुकिंग अमेजिंग, लीफ का जो इफेक्ट आएगा। वैसे तो इसमें कलरिंग बहुत डिफरेंट है, हम लोगों को कलर कौन कौन से चाहिए, ब्लैक, व्हाइट, टील ब्लू और सिरिलियन ब्लू और गोल्डन, ठीक है। तो कल हम लोगों को ये वाले कलर्स चाहिए, गोल्डन है साथ में। ये देखिए, ठीक है, इसको हम यहां इस तरह से स्टिक करेंगे। प्रेसिंग अच्छे से कीजिएगा ताकि आपका ना जो स्टिकिंग है वो बहुत अच्छी आए। ये देखिए, ठीक है, ओके, सिरिलियन ब्लू। हेलो रूपाली जी, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ती हूं ताकि ये सूख जाए और फिर हम अपना कपल बनाएंगे, क्योंकि अभी ये गीला है और इसको सूखने में टाइम लगेगा। थैंक यू। चलिए कपल बनाते हैं जल्दी से, ये मेरा क्ले भी मिक्स है और हमें छोटे छोटे मतलब फिगर बनानी है, बहुत छोटी छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, एकदम छोटी सी दो फिगर बनाएंगे। हेलो संतोष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यहां पर मैं अपना फिगर फिलहाल बिठाऊंगी, तो मैंने टेलकम लगा दिया ताकि वो सरफेस से ना चिपके। ये छोटी सी मैंने कॉइल ली है, दो एक साइज के बॉल लीजिएगा, बिल्कुल दो एक साइज के लेग्स बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, आप प्लीज स्टार्टिंग का सेशन देख लीजिए। ये लेग्स बन गई,
अब मैं शूज बना रही हूं, ठीक है? बहुत इजी वाला बताऊंगी एकदम, ताकि सब लोग फटाफट से बना ले। ये शूज हो गए, फेविकॉल मैंने यहां साइड में निकाल लिया है, ब्रश की हेल्प से आई विल स्टिक एवरीथिंग। मुझे साथ साथ में ना जल्दी जल्दी वाला रिप्लाई भी करते जाइएगा, ओके? क्योंकि थोड़ा हम लेट हो रहे हैं ना, तो हम फटाफट कंप्लीट कर ले, तो फटाफट से मुझे रिप्लाई भी देते जाइएगा दैट एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। जब मैं पूछूं तो मुझे काइंडली रिप्लाई। अभी ये छोटी सी हम बॉडी बनाते हैं। थैंक यू। ठीक है, क्यूट लग रहा है ना? चलिए फटाफट से इसको स्टिक कर देती हूं मैं यहां पे। ओके, थैंक यू। अब छोटे छोटे से दो हाथ बनाएंगे। थैंक यू। ये हमारा एक हाथ हो गया। देखिए मेरी फिंगर के फर्स्ट पार्ट जितना है ये हाथ, दूसरा हाथ भी मुझे उतना ही बड़ा चाहिए, उससे बड़ा नहीं चाहिए। ये देखिए, ठीक है? अब क्या करेंगे, आगे से हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। अब इसकी बॉडी पे ये दोनों हाथ हमें स्टिक करने हैं। क्लियर दिख रहा है ना? थैंक यू। दूसरी साइड हल्का सा फेविकॉल लगा के और दूसरे हाथ को स्टिक कर देंगे। ओके, ठीक है? ये हमारा एक फिगर का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा पार्ट हो गया, बस हेड रह गया। मैं अभी आपको ना सामने से दिखाती हूं, क्योंकि ऐसे ना फिगर लुढ़क रही है। ये देखिए मैंने एक कॉइल बनाई और इस कॉइल पे मैं ऐसे कट लगा रही हूं। और इसको मैं यहां पर इस
इस तरह से, ठीक है, क्लियर। थैंक यू सो मच। सब कुछ क्लियर है ना, आराम से दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा। अब हम गर्ल की बॉडी शेपिंग करते हैं। प्लीज सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही क्यूट कपल बनेगा और आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा, तो सब लोग जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप लोग शेयरिंग नहीं करते ना, दैट टाइम आई फील वेरी डिप्रेस्ड, तो प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, है ना। गर्ल की टांगे हम थोड़ी पतली बनाएंगे, ठीक है, मतलब लंबी नहीं, बस थोड़ी पतली बनाएंगे बॉय के कंपेरेटिवली, तो एक एक टाइम एक्स्ट्रा शेयर कर दीजिए। ये देखिए लेग के ऊपर लेग है ना, लेग के ऊपर लेग है, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा स्टाइलिश बना रहे हैं ना गर्ल को, तो मैंने लेग के ऊपर लेग कर दी उसकी। थोड़ी लंबी हो गई, ज्यादा ही। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब बॉडी की शेप बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही, कॉइल जैसी। अब ड्रेस में ना मैं इसको एक फ्रॉक पहना रही हूं, ठीक है, तो फ्रॉक के लिए मैंने ये कॉइल बनाई। आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर दिख रहा होगा, किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना देखने में। ये यहां पर मैंने इस तरह से एक पतली सी लेयर फेविकॉल की लगाई और यहां पर बस फ्रिल का हमें लुक देना है। ये देखिए, इससे ना फ्रॉक का लुक बहुत सुंदर आ जाएगा और फ्रॉक बिल्कुल फ्रॉक जैसी दिखेगी। ओके, और इसको हम यहां पर इस तरह से स्टिक कर देंगे। क्लियर है? अब गर्ल के हैंड्स बनाते हैं पतले पतले से।
मैं इन दोनों का हेड अभी नहीं स्टिक करूंगी, बिकॉज अगर मैंने हेड अभी स्टिक किया ना तो वेट से खराब हो जाएगा. मैं हेड आपको बनाना बताऊंगी और उसको स्टिक करूंगी मैं बाद में. हेलो रीना जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर, थैंक्स अ लॉट. बहुत लाइट फेविकॉल लगा रही हूं मैं, बिल्कुल हल्का हल्का, मैं कहीं पर भी ज्यादा फेविकॉल नहीं लगा रही. देखो सुंदर है ना, कितने प्यारे लग रही है ना दोनों. कोई बात नहीं डियर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. जल्दी से बताओ कैसे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं ना. सी क्यूट कपल. थैंक यू. और बैक से भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं दोनों, है ना. फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से बहुत अच्छे दिख रहे हैं. चलिए अब इनके फेसेस बनाते हैं दोनों के. अब आप लोग ध्यान से देखिएगा फेस बनाना, ठीक है. देखो एक पैकेट और खोलना पड़ेगा, 2 मिनट लगेंगे, एक पैकेट और खोलना है. इतने आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी जल्दी शेयरिंग कर दीजिए. बस दोनों के फेस बनाने रह गए, छोटे छोटे सिर्फ 2 फेस बनाने हैं. फटाफट शेयरिंग कर दीजिए. फाइनल पिक मैं ग्रुप में अपलोड करूंगी आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है. इतना टाइम तो इसको लग जाएगा सूखने में, और खड़ा करके सूखने के बाद मैं आपको पिक शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और यहां पर भी. बस कलरिंग बाकी है, अब तो कोई काम ही नहीं है, हो ही गया हमारा, है ना, वैलेंटाइन कम इसका स्मोक फाउंटेन का. थैंक यू सो मच. आई होप आप सबको पसंद आया होगा. इतने टाइम से वेट था कविता जी एंड ऑल सबको कि हमें ये सीखना है, तो आई रियली होप आप लोगों को पसंद आया होगा, है ना. थैंक यू डियर, थैंक यू संयुक्ता जी, थैंक्स अ लॉट. इंदु जी कहाँ पर ऐड करना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में? मैं नंबर तो मैंने काफी बार डाला है डियर व्हाट्सएप ग्रुप का. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. इंदु जी मैंने ग्रुप का नंबर मतलब मैंने ग्रुप में काफी बार भेजा है और यहाँ अपना नंबर भी काफी बार डाला है, आज फिर डाल रही हूं, तो आप लोग सेव कर लीजिए और जिसे भी ग्रुप में ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकता है, ठीक है ना. आपने भी स्टार्ट कर दिया है प्रोजेक्ट, वेरी गुड. देखिए जैसे हमारे कपल बहुत छोटे छोटे से हैं तो इनका जो है ना फेस भी बहुत छोटा सा ही बनेगा. मैंने नंबर डाल दिया है, आप लोग मुझे इस पे हाय सेंड कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगी. देखिए छोटा सा मैंने बॉल लिया है, बिल्कुल छोटा सा. बस इससे बड़ा नहीं चाहिए हमको.
देख लीजिए आप लोग ध्यान से। थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अब इनके हेयर बना रहे हैं हम, ठीक है? आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? ओके, ये मैंने हेयर्स बना लिए। ये मेरे बॉय के हेयर हैं। ओके, क्लियर। अब मैं गर्ल के हेयर बनाती हूं। थैंक यू, प्लीज आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए मैंने ना अपने इसको एक पोनी दिया है, ठीक है? यहां पर पीछे इस तरह से एक चोटी, एक पोनी कुछ भी समझ लीजिए, वो बनाई है। ओके, ये हो गया। चलिए मैं ट्राई करती हूँ स्टिक करने का, अगर मेरी मतलब आई थिंक बॉडी स्टिफ हो गई होगी। हो गए। सी कितना प्यारा कपल बना है, इट्स रियली ब्यूटिफुल। जल्दी से बताइए कैसा लग रहा है। है ना सुंदर? अब मैं इसको फाइनली उस पे बाद में स्टिक करूंगी, बिकॉज अभी ये गीला है ना, तो मैं इसको यहां से नहीं उठाऊंगी।
मून पे मैं इसे बाद में बिठाऊंगी। ओके, प्यारा लग रहा है ना, फटाफट से शेयर कीजिए फिर। आज तो ज्यादा शेयरिंग होनी चाहिए। इस तरह से हेड जॉइंट करके होगा, सर को नहीं, सर को तो बिल्कुल नहीं देने वाली नहीं। गर्ल की लेग ज्यादा लॉन्ग नहीं हुई, उसके शूज नीचे गिर गए हैं, उसके शूज नीचे गिर गए हैं, लॉन्ग नहीं हुई है। ये देखिए, बराबर है दोनों की लेग्स, उसके शूज नीचे लटक गए। देखिए, उसके शूज ऊपर कर दिए ना, तो बिल्कुल ठीक हो गए, वो शूज नीचे गिर गए हैं उसके। ये देखिए, ठीक है ना, अभी ठीक हो जाएगा, जब हम इसको सेट करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, अभी तो बॉडी भी पीछे जा रही है इनकी। चलिए, अब मैं इसे रख रही हूं साइड में। इसके पीछे भी मुझे कुछ रखना पड़ेगा। क्या रखें क्या रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी मेरे पास थोड़ा सा क्ले बच गया, ये देखिए, ये भी हमारा काफी हद तक सेट हो गया है, पर ये मुझे खाली खाली लग रहा है। तो चलिए, अब इसमें थोड़ा सा हम अपना इनोवेशन करते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी ये भी नहीं सूखा है, अभी इट्स नॉट ड्राई प्रॉपरली। मैं आपको क्लाउड बनाना सिखा देती हूँ। थैंक यू प्राची जी, मैं आपको बस क्लाउड बनाना बताऊंगी और उसके बाद मैं सेशन वाइंड अप करूंगी, क्योंकि अभी मेरा वो गीला है ना, देखिए ये पूरा गीला है, ये ना अभी सेट नहीं बैठ रहा, ये बार बार नीचे गिर रहा है और इसको हमें ऐसे सेट बिठाना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करूंगी डियर, मुझे ना इसकी यूनिकनेस खत्म नहीं करनी। बहुत अच्छा लग रहा है ये, ऐसे ही आप लोग जो चाहो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही ठीक है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। क्लाउड्स बनाना बता रही हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। बहुत सिंपल है क्लाउड बनाना ना, बहुत ही सिंपल। इस तरह से बना के, और आप इसमें बस इस तरह से डिटेलिंग दे दीजिएगा, और बाद में डिटेल टूल से ना इसको फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप जितने चाहें उतने क्लाउड्स ये लगा सकते हो। ओके, क्लियर क्लियर हो गया सबको, जल्दी से बताइए, इट्स क्लियर टू यू ऑल। हमारा कपल बैक फ्लो इंसेंट बर्नर रेडी है, बस उसकी कलरिंग करानी है, वो मैं कल करवाऊंगी। ये मेरी अपकमिंग क्लास है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। और देखिए, मेरी सरस्वती माँ की ऑयल पेंटिंग क्लास चल रही है, अगर कोई ये क्लास भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। इट्स टर्न आउट सो अमेजिंग, आप इसका लुक देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, सब कुछ मैंने टूल से ही किया है कविता जी, हाथ से नहीं है, टूल से है। तो कोई भी अगर करना चाहता है क्लासेस ज्वाइन, तो वो कर सकता है। ठीक है,
ये क्लास मेरी स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 25th of February एंड इट्स अमेजिंग क्लास। अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्लास स्टार्ट होगा इसी के साथ ही, दिस इज ट्रॉपिकल आर्ट। ये 3D कॉम्बो का मेरा क्लास कंप्लीट हो गया है एंड इट टर्न आउट अमेजिंग। आप देख सकते हो इसके सारे जो भी है, ऑल आर अमेजिंग, ऑल आर ब्यूटिफुल। तो कोई भी अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है या फ्री क्लासेस की कोई भी नॉलेज लेना चाहता है तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। थैंक यू प्राची जी, सच में सरस्वती माँ की पेंटिंग बहुत सुंदर लग रही है। ये टूल से किया है, इस वाले टूल से। ये डिटेलिंग देखिए, इस तरह से ऐसे होल करेंगे और फिर इस तरह से डिटेलिंग करेंगे। वैसलीन लगा के आप डिटेलिंग करोगे तो आपकी बहुत अच्छी डिटेलिंग आएगी। ठीक है, यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम फॉर एनी पेंटिंग। हां जी संगीता जी, मेरी ऑलमोस्ट सभी पेंटिंग कस्टमाइज होती है, सेल के लिए अवेलेबल रहती हैं। आपको कभी भी कोई भी नॉलेज लेनी है या कोई पेंटिंग परचेज करनी है तो आप कर सकते हैं। इवन आई कैन टेक ऑर्डर ऑल्सो। अभी रिसेंटली मेरे पास एक 5 फीट बाय 6 फीट की पेंटिंग का ऑर्डर है जिसका मैं काम आज से स्टार्ट करूंगी। तो आप लोग कोई भी अगर अपने लिए कस्टमाइज करवाना चाहता है या परचेज करना चाहता है, यू ऑल कैन कॉन्टेक्ट। ये सभी कॉम्बो ऑफर में है, बहुत अच्छा डिस्काउंट है सभी पे, वैलेंटाइन डिस्काउंट समझ लीजिए या कुछ भी। तो कोई भी अगर आपको लेनी है क्लास, आप ले सकते हो विद फुल डिस्काउंट। बहुत मिनिमम फी है, बहुत ही मिनिमम फी है। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं कल। कल का क्या टाइम रहेगा मैं बता दूंगी। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। राधे राधे जी, और प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर शेयर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स मैं कम ही सिखा पाऊंगी, एक नॉर्मल चीजें सिखाया करूंगी। ठीक है ना, तो शेयरिंग किया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, बाय बाय।